हिजबुल्ला ने इजराइल लेबनान सीमा के पास एंटी टैंक मिसाइलें दाग दी हैं। आईडीएफ का दावा यह है कि हिजबुल्ला के इस हमले में कई नागरिकों की मौत हो गई है और इजराइल के सैनिक हिजबुल्ला को मुंहतोड़ जवाब देने में जुटे हुए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आईडीएफ ने ये बहुत बड़ा दावा किया है, इजराइल लेबनान सीमा के पास एंटी टैंक मिसाइलें दाग दी गई हैं और इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्ला के इस हमले में कई नागरिकों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। इससे पहले लगातार वॉल्केनो रॉकेट के जरिए हिजबुल्ला इसराइल पर अटैक कर रहा था और एक बार फिर से ये सिविलियंस पर बड़ा अटैक हिजबुल्ला की ओर से किया गया है, जिसमें कई नागरिकों के मारे जाने की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार ये जो युद्ध है वो भीषण होता चला जा रहा है, एक तरफ हमास दूसरी तरफ हिजबुल्ला, और दोनों ही फ्रंट पर इसराइल इस वक्त जूझता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो तस्वीरें सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही अटैक है, ये वही हमला है जिसका दावा किया जा रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अब इसराइल के सैनिक भी पूरी तरीके से इस हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। और ये जो धुआं आप देख रहे हैं, दरअसल ये धुआं इसराइल में है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस हमले का पलटवार उसी तरीके से इसराइल की सेना करेगी, क्या बेरूत का भी नामो निशान मिटा देगी। लेकिन फिलहाल ये धुएं का गुबार आप देख रहे हैं, ये एंटी टैंक मिसाइलों के दागे जाने के बाद इस तरह की तबाही मची है और इस तबाही में कई सिविलियंस के मारे जाने की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। और इसीलिए माना यह जा रहा है कि अब नागरिकों की मौत का बदला एक बार फिर से यहां पर इसराइल के सैनिक लेते हुए दिखाई देंगे। यानी कि इस खबर के बाद अब यह भी समझा जा सकता है कि वो युद्ध जो अभी दोनों मोर्चों से लगातार जारी है वो और भी ज्यादा विध्वंसक हो सकता है। तो युद्ध में स्थिति हर दिन हर तस्वीर बदलती जा रही है, लेकिन गाजा के बाद अगला नंबर बेरूत का हो सकता है, क्योंकि देखिए जंग के जो हालात बन रहे हैं उससे ये साफ होता नजर आ रहा है कि अगर हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमले बंद नहीं किए तो इसराइल बेरूत में बर्बादी का बवंडर ला देगा, जिसमें समझे कि हिजबुल्ला की जड़ें तिनके की तरह उखड़कर अपना वजूद खो देंगी। हालांकि हमास की बात करें तो हमास के मुकाबले हिजबुल्ला से जंग इसराइल के लिए इतनी आसान नहीं होगी। गाजा में बदहवास है हमास, हिजबुल्ला को नहीं है अंजाम का एहसास। गाजा के बाद बेरूत का नंबर, हानिया से पहले नसरुल्ला का होगा हिस्सा। अब बेरूत में बरसेगा बारूद, आएगा बर्बादी का बवंडर। बहुत पुरानी कहावत है, आ बैल मुझे मार, यानी कि मुसीबत को खुद आगे बढ़कर न्योता देना। यही काम लेबनन का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह कर रहा है, वो भी तब जब इसराइल बेहद गुस्से में है। इसराइल का एक एक बच्चा बदले की आग में जल रहा है। इसराइल को अपने उन सभी 1200 यहूदियों की क्रूरतम हत्या का हिसाब चाहिए। इसराइल को 1200 यहूदियों की जान के बदले हमास के 50,000 लड़ाकों का खून चाहिए, जिसके लिए इसराइल ने जंग में अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी है। इस वक्त इसराइल का पूरा फोकस गाजा में हमास को उखाड़ फेंकने पर लगा है, लेकिन हमास का हमदर्द हिजबुल्ला बार बार इसराइल का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। तो क्या हिजबुल्ला आग से खेल रहा है? क्या हिजबुल्ला खुद अपना घर जलाने की कोशिश कर रहा है? क्या इसराइल का गुस्सा झेल पाएगा हिजबुल्ला? दरअसल हमास इसराइल युद्ध के बाद से ही हिजबुल्ला लगातार इसराइल पर हमले कर रहा है और इसराइल की ओर से हिजबुल्ला को हर हमले का उसी रफ्तार से जवाब दिया जा रहा है। लेकिन ये इसराइल का अंदाज नहीं है। इसराइल एक मिसाइल के बदले 10 मिसाइल दागने वाला देश है, यही इसराइल की पहचान है और यही तेवर अरब की सरजमी पर इसराइल के पांव उखड़ने से बचाता आया है। लेकिन अब लगता है कि हिजबुल्ला इसराइल के बर्दाश्त की हद को पार करने के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में हिजबुल्ला कब उस लाल रेखा को पार कर जाएगा और कब इसराइल की गुस्से से भरी लाल आंखें बेरूत को बारूद के ढेर में बदल देगा, ये कहा नहीं जा सकता। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर यो गैलेंट ने शनिवार को कहा कि हमास की हालत खराब हो गई है, वो भारी दबाव में है। रणनीति के मुताबिक आईडीएफ अपने मिशन को अंजाम दे रहा है और जल्द ही गाजा पर इसराइल का झंडा फहराएगा। इस ऐलान के साथ ही गैलेंट ने हमास के हमदर्द हिजबुल्ला को खुली और आखिरी चेतावनी भी दे डाली।
उन्होंने हिजबुल्ला चीफ नसरुल्ला को समर्थन करने वाले लेबनान के नागरिकों को संदेश देते हुए कहा कि अगर नसरुल्ला गलती करता है तो बेरूत की तस्वीर भी वैसी ही बना दी जाएगी जैसी कि गाजा की हो चुकी है। המשימות מוגדרות וצהל הולך ומבצע את משימתו. חמאס נמצא בלחץ גדול. הלחץ הזה ממש בשעות אלה הולך וגובר. दुनिया को पता है इसराइल खोखली धमकी नहीं देता है, वो ऐसा मुल्क है जो अपनी बात को हकीकत में तब्दील करके ही दम लेता है। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहता है। यही वजह है कि हमास के हमले के बाद इसराइल को युद्ध का ऐलान करने में 24 घंटे का भी वक्त नहीं लगा और महज एक महीने की जंग में गाजा का इंच इंच बर्बाद हो चुका है और हमास खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में हिजबुल्ला की ओर से अगर इसराइल पर हो रहे हमले नहीं रुकते तो क्या पता इसराइल कब और किस वक्त हिजबुल्ला के खिलाफ जंग का ऐलान कर दे, क्योंकि इसराइल 2021 से ही हिजबुल्ला के खिलाफ जंग की तैयारी करके बैठा हुआ है। इसराइल अपने सीक्रेट डिजिटल बैंक में लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला के हजारों ठिकानों की लोकेशन सेव करके रखी है। जरूरत है तो बस एक बटन दबाने की, जिसके बाद इसराइल की AI कंट्रोल ड्रोन यूनिट कुछ ही घंटों में हिजबुल्ला के सभी ठिकानों को नेस्तोनाबूद कर देगी। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, लगता है कि हिजबुल्ला खुद अपने विनाश को न्योता दे रहा है। 1 लाख लड़ाकों और 1.5 लाख रॉकेट के जखीरे के दम पर हिजबुल्ला इस गलतफहमी में बैठा है कि वो इसराइल को धूल चटा देगा, जबकि वो शायद भूल चुका है कि इसराइल एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है जिसके पास दुनिया के सबसे हाईटेक हथियार हैं। खुले मैदान से हिजबुल्ला के 1 लाख लड़ाकों की फौज की कब्र बनाने में इसराइल को कुछ ही दिन लगेंगे, उसके बाद नसरुल्ला को लेबनान में छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। इस बेहद संभावित अंजाम को भूलकर हिजबुल्ला ने ऐलान कर दिया है कि लेबनान की धरती से इसराइल पर हमले जारी रहेंगे। नसरुल्ला ने शनिवार को अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए बताया कि इसराइल के मोर्चे पर हिजबुल्ला के हमलों में तेजी आई है और पहली बार इसराइल पर हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। नसरुल्ला ने इस दौरान बुरकान नाम की मिसाइल का भी जिक्र किया जिसे इसराइल पर दागा गया। यह मिसाइल 300 से 500 किलोग्राम पेलोड ले जा सकती है। البركان صاروخ زنة المتفجرات الموجودة فيه ما بين 300 كيلو إلى 500 كيلو يعني نصف طن. हिजबुल्ला 8 अक्टूबर से लेबनान इजरायली सीमा पर इसराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। बदले में इसराइल भी जवाबी हमले कर रहा है। इन हमलों में अब तक हिजबुल्ला के 70 लड़ाके मारे गए हैं, जबकि अभी तक इसराइल ने सिर्फ हमले का जवाब दिया है। जब इसराइल हिजबुल्ला पर हमला करते हुए बारूद की बारिश करेगा तब हिजबुल्ला के लड़ाकों की लाशें बिछ जाएंगी और नसरुल्ला को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा।